तो दोस्तों थॉर लव एंड थंडर के रिलीज के बाद ये पहली वीडियो है इस चैनल पर जिसमें मैं इस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ऑडियंस का इस मूवी को लेकर रिएक्शन बहुत मिक्स रहा है और मैं यही समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं समझ सकता हूँ कि किसी को भी इस मूवी से लेकर जो भी शिकायत है उसका कहीं ना कहीं रीजन मूवी के रन टाइम को माना जा सकता है, और रन टाइम छोटा होना अच्छी बात भी है और बुरी भी। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, पर यहाँ रन टाइम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कुछ खराब रिव्यूज के लिए। यहाँ कुछ ग्लोबल फिनोमेना भी लगे हैं ऑडियंस को ये फील करवाने के लिए कि मूवी वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी, पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी रीजन है जिन्होंने मूवी को अच्छा ही बनाया है। ये मूवी हमें एक जबरदस्त हीरो की जर्नी, एक खतरनाक विलन का पेन और जीने का असली मतलब भी बता गया, और एक मूवी में इतना सब कुछ दिखना बहुत बड़ी बात है। मूवी किसी हाल में बोरिंग नहीं थी और उसके भी पीछे के रीजन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर रिव्यूज के नए एपिसोड में, जहाँ आज मैं बात करने जा रहा हूँ थॉर लव एंड थंडर के मिक्स रिव्यूज के बारे में कि कुछ लोग इस मूवी को बहुत खराब बोल रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा, पर ऐसा क्यों। अगर आपने थॉर लव एंड थंडर पिक्चर हॉल में रिव्यूज के चक्कर में नहीं देखी तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा हैरान हूँ। पर कोई नहीं, इस मूवी से आपको फ्यूचर मूवीज को लेकर भी कुछ अच्छे आइडिया लगेंगे, जहाँ हम बात करेंगे कि रिव्यूज आपके लिए कितने जरूरी हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास मूवी को अच्छे बोलने के तीन रीजन है, और ऑडियंस इससे इतनी खुश क्यों नहीं हुई उसके भी तीन रीजन है। मैंने इन रीजंस को एक बुरे और एक अच्छे के साथ लिस्ट किया है। तो आइए पहले बुरे रीजन की बात करते हैं, फेज टू फिनोमेना। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना बड़ा हो चुका है कि इससे नए नए फिनोमेना निकल कर सामने आ रहे हैं। इसी में से एक है फेज टू फिनोमेना, जहां जब पहली एवेंजर्स मूवी आई तो फैंस उसके बाद की हर मूवी जिसमें उस मूवी के कैरेक्टर्स थे उससे वही ऑसमनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा उन्होंने एवेंजर्स 1 में फील किया। पर फेज 2 की सारी मूवीज जिनमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन भी शामिल है वो पहली एवेंजर्स जितनी जबरदस्त साबित नहीं हुई। इसीलिए कई फैंस से अगर आप पूछोगे तो फेज 2 को उतना खास नहीं बताएंगे। वही हाल अभी फेज 4 का चल रहा है, जहां एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी जबरदस्त मूवीज का लेवल फैंस बाकी मूवीज से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर वैसा सेम रिजल्ट हर मूवी से मिलना बहुत मुश्किल है। इन सब के ऊपर आज ही नहीं पर मार्वल स्टूडियोज के लिए हमेशा से ही एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, जिससे वो कई बार डील कर पाते हैं और कई बार नहीं। हालांकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमेशा उनके साथ रहते हैं, पर तब भी ये एक्सपेक्टेशन मैनेज करने वाली प्रॉब्लम उनका पीछा लंबे समय तक नहीं छोड़ पाएगी। दूसरा रीजन मैं देना चाहूंगा थॉर लव एंड थंडर के फेवर में कि ये कुछ फैंस को क्यों अच्छी लगी, तो इसका रीजन है ऑल हाई नो लो। कोई कितना भी थॉर लव एंड थंडर को खराब बोल ले, पर एक फैक्ट इस मूवी से हमेशा जुड़ा रहेगा कि ये मूवी बोरिंग नहीं है। ये फैंस के मिक्स रिएक्शन का सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपको ये मूवी एक बार और भी दिखा दी जाए तो भी आप ये नहीं बोलोगे कि आप बोर हुए। और ऐसा हुआ इस डायरेक्टर के ऑल हाई नो लो मेथड से। मूवी हर पॉइंट हर सीन में फनी थी, मूवी का एक्शन आपको खुश करता रहेगा, और मूवी किसी भी पॉइंट पर एंटरटेनमेंट के मामले में नीचे नहीं गिरेगी। मैं फिर से इस मूवी के फनी होने की बात करूं तो हर सीन शुरू से लेकर लास्ट तक फनी था। जेन के कीमो के दौरान अपनी बुक फाड़ के आइंस्टाइन रोजनब्रिज समझाना बहुत फनी था। सिर्फ का लड़ाई में घायल होकर रियलाइज करना कि वो वेलहाला नहीं जा पाएगी वो फनी था। कॉर्क का सिर्फ बोलना ही आपको हंसाने के लिए काफी था। बकरियों का चिल्लाना, ज्यूस का सामने आना और गौर की बेटी का थॉर की बातों पर रिएक्ट करना, सबके सब फनी थे। तो टेक्निकली कोई ऐसा मोमेंट आया ही नहीं जहां आप 1% भी बोर हो पाओ। इसी के कंपैरिजन में आइए हम इससे बहुत बड़ी मूवी इन्फिनिटी वॉर का एग्जांपल लेते हैं। हर किसी को इन्फिनिटी वॉर 1 घंटे तक बहुत एंटरटेनिंग लगेगा, पर जैसे ही गमोरा और थैनोस की 6 मिनट की बातचीत शुरू होगी आप बोर होना शुरू हो जाओगे। ये सेम चीज आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी विटनेस कर सकते हो, जहां 38 मिनट्स के बाद कई सारे यूनिवर्स के मोन्टाज के दिखने के साथ ही मूवी 10 मिनट के लिए बोरिंग हो जाती है अर्थ 838 में। अब मैं ये सब कह रहा हूँ दूसरी बार देखने के पर्सपेक्टिव से भी कि आपको थॉर लव एंड थंडर में एक भी सीन बोरिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइका ने छोटे से रन टाइम में सब हाई नोट पर ही रखा और हाई नोट पर ही खत्म कर दिया। अब इस मूवी के सबसे बड़े दुश्मन रन टाइम की ही बात कर लेते हैं। ये है इस मूवी का असली दुश्मन। मूवी क्रेडिट्स को मिलाकर 1 आवर 58 मिनट्स की थी। इससे ज्यादा बड़ा रन टाइम आपको हाल ही में आई स्ट्रेंजर थिंग्स 4 के फाइनल एपिसोड में मिल जाएगा। मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा, स्ट्रेंजर थिंग्स 4 का फाइनल एपिसोड 2 आवर्स 30 मिनट्स का था। तो बात यहाँ ये है कि जब टीवी सीरीज के क्रिएटर्स एपिसोड्स को इतना लंबा ले जा सकते हैं तो ऑडियंस मूवीज से ऑलमोस्ट इतना लंबा होना तो एक्सपेक्ट करती ही है। थॉर लव एंड थंडर का 2 घंटे का रन टाइम इतना छोटा था कि कई लोगों को इंटरवल के इतनी जल्दी आने का भरोसा ही नहीं हुआ, और हमें पहले ही पता था कि कुछ मेजर एक्टर्स के सीन मूवी से काट दिए गए थे, जिसका मतलब डायरेक्टर ने ओरिजिनली जो मूवी का विजन देखा था वो उसे इतने कट्स के साथ प्रॉपरली डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पाए। सीन काटने के साथ कई सारे चैलेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के लिए वापस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर आ जाओ, जिसकी एंडिंग चेंज होने के साथ साथ सैम रैमी को मूवी को बचाने के लिए एक पॉइंटलेस म्यूजिकल बैटल डालना पड़ा। हैरानी तब होती जब ये म्यूजिकल बैटल रैप बैटल बन जाता।
तो अचानक चीजें काटने से स्क्रिप्ट पर गहरा असर पड़ता है, प्लस रन टाइम को भी कम करना पड़ता है। पर तब भी मूवी की राइटिंग बहुत क्लेवर थी। लव एंड थंडर की राइटिंग से आप समझ सकते हैं कि मूवी बहुत क्लेवरली लिखी गई है। यहाँ पैरेलल्स बहुत अच्छे से सेट किए गए थे। माइटी थॉर जब भी अपना हैमर उठा रही थी तब उसके कीमो का असर खत्म हो रहा था और वो अपने मौत के करीब जा रही थी, पर उसे भगवानों को बचाना भी था। गौर भी अपने नेक्रोसॉर्ड से मर रहा था पर उसे सारे के सारे भगवानों को हर हाल में खत्म करना था। ये चीज शुरू में दोनों साइड से एस्टेब्लिश कर दी गई कि कुछ भगवान किसी काम के नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ कुछ भगवान बहुत काम के हैं, जिनके ना होने से इंडिगार के लोगों की जान खतरे में आ गई थी। जेन फॉस्टर ने शुरू में ही दूसरे कैंसर पेशेंट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज समझाया और उसी ब्रिज को फर्दर मूवी में जगह जगह दिखाया गया कि कैसे गॉड्स उसे जहां चाहे वहां एक्सेस कर सकते हैं। वैल्करी अपने पेगासस से, थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से और ज्यूस के बोल्ट से भी। लास्ट में एक ऐसा सरप्राइज भी दिखाया गया जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन सब के ऊपर मूवी से पहले किसी को नहीं पता था कि मूवी का नाम लव एंड थंडर क्यों है, पर ये लास्ट में एस्टैब्लिश जब किया गया तो वो ऑडियंस के लिए बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट था। तो इतनी क्लेवर राइटिंग हमें ज्यादातर फिल्मों में देखने को नहीं मिलती, पर इस क्लेवर राइटिंग में भी कुछ लूज एंड्स थे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश ना होने देने की। नो डाउट मूवी के एक्टर्स ने अपना 200% दिया कैरेक्टर्स में जान डालने के लिए, पर वो सीन सेट ही नहीं किए गए जिनसे कैरेक्टर्स ऑडियंस की नजरों में प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो सके। सबसे पहला एग्जांपल है खुद गौर द गॉड बुचर का। गौर बहुत खतरनाक कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स में किसी भी हद तक चला गया था गॉड्स को खत्म करने के लिए, जबकि हमने गौर को सिर्फ एक ही गॉड को मारते हुए देखा। ये गॉड किलर का इंट्रोडक्शन था, ना कि गॉड बुचर का। किसी भी नाम की कदर करनी होती है। वहीं दूसरी तरफ माइटी थॉर की बात करें तो जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनने के बाद बिना थॉर के अपने खुद के एडवेंचर पर गई थी, पर वैसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखाया गया। जेन आई, माइटी थॉर बनी और निकल गई थॉर के साथ एडवेंचर पर। इन सब के साथ बकरी और बाइफ्रॉस को कंबाइन करके शिप बनाना बहुत अच्छा था देखने में, पर फिर भी तीन तीन टेलीपोर्टेशन वेपन्स दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि लास्ट में उन्हीं को यूज करके ट्रैवल किया गया। हालांकि इन लूज एंड्स को बहुत अच्छे से संभाला एक्टर्स ने। तो मूवी की कास्ट बहुत जबरदस्त थी, बड़े बड़े एक्टर्स अपने काम की पावर यहाँ ऑडियंस को दिखा पाए। क्रिश्चियन बेल से जबरदस्त गौर आप किसी दूसरे एक्टर को इमेजिन नहीं कर सकते। रसल क्रो हमें बता गए कि उनके जैसा ज्यूस हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और नेटली पोर्टमैन ने एक ही मूवी में हमें बता दिया कि वो कितनी जबरदस्त थॉर है। पर क्रिस हेम्सवर्थ जिनका कैरेक्टर थॉर जो कि डिप्रेस था इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के दौरान, वो ना ही खुद को सिर्फ वापस शेप में लाया बल्कि उसने ह्यूमर को अपना हथियार बनाकर हमें बताया भी कि वो अभी भी डिप्रेशन से लड़ रहा है। इन सब के ऊपर जैसे ही थॉर एसगार्ड के लोगों से बात करता है सब समझ जाते हैं कि एसगार्ड का ऑल फादर कौन है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कैरेक्टर्स ने अपना 200% दिया इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, पर जबरदस्त एक्सपेक्टेशन और दर्दनाक रन टाइम ने फैंस को वो सेटिस्फेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से एक एंटरटेनिंग मूवी होने के बावजूद भी थॉर लव एंड थंडर का रिव्यू फैंस के बीच बहुत मिक्स रहा। तो दोस्तों ये थी वीडियो थॉर लव एंड थंडर के मिक्स रिव्यू के बारे में। मुझे खुद इन पॉइंट्स को ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया, प्लस अगर आप रिव्यू का वेट करते हो किसी मूवी को देखने के लिए तो आप ऑलरेडी बहुत सारा मजा मिस कर रहे हो। किसी मूवी को देखने का सबसे ज्यादा मजा उसके रिलीज के पहले दिन है। सबका मूवी को लेकर नजरिया अलग अलग होता है, तो बिना मूवी देखे एक परसेप्शन सेट कर लेना ऑलरेडी आपका मजा खराब कर चुका होगा। तो मेरी मानो तो अगर आप किसी मूवी को भरपूर एंजॉय करना चाहते हो तो उसको पहले दिन ही देख लो। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप माइटी थॉर को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी थॉर गॉडेस ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।